हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने निर्माणाधीन थरकोट झील का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मंडल आयुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी इस दौरान ली गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को झील निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 3 दिन के भीतर झील निर्माण कार्य पूर्ण होने की संबंधी प्लान प्रस्तुत करें। मंडल आयुक्त द्वारा झील निर्माण के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी ली गई, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि झील का निर्माण जल संवर्धन, नगर पिथौरागढ़ को पेयजल आपूर्ति एवं पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा है। मंडल आयुक्त द्वारा पूछे जाने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि झील की लंबाई 750 मीटर, ऊंचाई 24.5 मीटर और चौड़ाई 74 मीटर रखी गई है। झील की स्टोरेज क्षमता 2 लाख घन मीटर है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।